हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड ठीक है ये सेकंड यूनिट है फाइंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेशन कैसे करते हैं ये यूनिट उसी पे बेस्ड है पार्शियली का मतलब होता है uh, <coughs> मतलब कुछ न, 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 कुछ पार्ट नॉट ऑल तो देखिए कैसे हम किसी फंक्शन का जब भी पार्शियल डेरीवेटिव करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल्स यूज हुए होते हैं हम एट ए टाइम एक एक को ही हम वेरिएबल मानेंगे बाग, जितने और उसके अलावा जितने भी होंगे उन्हें क्या करेंगे कॉन्स्टेंट एज्यूम करके चलेंगे ठीक है अगली बार जिसका कर दिया पहले फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले को वेरिएबल पिछले वालों को सारों कॉन्स्टेंट इस टाइप से करना देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ जल्द समझ आएगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन करना ठीक है थीके? पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा यू यू टू वाई की पावर एक्स वाई यहां पे देखो यू फंक्शन है एक्स और वाई का तो यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं वाई भी एक्स भी, ठीक है जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा जब एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो वाई कॉन्स्टेंट रहेगा और वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा देखो मैं करता हूं सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में तो मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं यहाँ पे y क्या हो जाएगा मेरा कॉन्स्टेंट ठीक है अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y हो जाएगा कॉन्सटेंट यानी कॉन्स्टेंट की पावर x यानी a की पावर x a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था a की पावर x log ए है ना यही तो होता था हमने वहां पे पढ़ा था अगर हमारे पास ये होता था ए की पावर एक्स तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था ए की पावर लो ई ए जहां पे ए क्या होता था कॉन्सटेंट अब देखो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं वाई मेरा क्या है कॉन्स्टेंट यहां पे तो वाई कॉन्स्टेंट हो गया तो ए की पावर एक्स ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ए की पावर एक्स लोग एक ही, e, ही जगह क्या वाई ये हो गया वाई एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन अगर मुझे वाई के रेस्पेक्ट में फाइंड करना हो वाई के रेस्पेक्ट में अगर वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा ये ये क्या हो जाएगा वाई वेरिएबल एक्स कॉन्स्टेंट तो एक थ्योरम पढ़ी थी हमने डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन ठीक है एन वहाँ पे कॉन्स्टेंट होता था एक्स यहाँ पे वेरिएबल होता था तो उसका कितना होता था एन एक्स की पावर एन माइनस वन ये होता है डिफरेंशिएशन जब मैं वाई के इसको करूँगा वाई को वाई मेरा वेरिएबल होगा एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा एक्स इन टू वाई की पावर एक्स माइनस वन ठीक है इसी के अकॉर्डिंग इस टाइप से करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव एक को कॉन्स्टेंट कर रहा हूं मैं एडेट एक को वेरिएबल कर रहा हूं क्वेश्चन देखो यू टू लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करता हूं डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आएगा एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y क्या होगा मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है तो लोग x का कितना होता है वन अपॉन जो भी चीज होता है उसके अंदर ठीक है अभी अंदर क्या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का करेंगे ठीक है एक्स स्क्वायर का, का डिफ्रेंशिएशन करो कितना आएगा टू एक्स वाई स्क्वायर का वाई का, मेरा कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है जीरो जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में बात करता हूं ठीक है डेली अपॉन डेली एक्स कितना आ गया टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इस टाइप्स करते हैं ठीक है अगर मुझे डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना हो क्या होगा <coughs> पहले वन अपॉन लोगो एक्स का कितना होता है वन अपॉन एक्स ठीक है अब y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर मेरा कांस्टेंट y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा यानी एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट तो वो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो वाई स्क्वायर का का डिफरेंशिएशन कितना होगा टू वाई तो डेली अपॉन डेल वाई कितना आ गया टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्टार्ट से हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इफ जेड इक्व टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई देन शो दिस अब देखो हमें क्या क्या निकालना डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई उसमें उसमें बी की मल्टीप्लाई एक की मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना तो यहाँ पे देखो जेड इक्व टू मुझे कितना गिविन है e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई ये किविन है मुझे है ना तो मुझे सबसे पहले चाहिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में करना है वाई मेरा क्या रहेगा इस टाइम पे कॉन्स्टेंट ठीक है तो पहले मैं दो देखिए यहा, यहाँ यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पे भी यहाँ एक्स है तो इस दो फंक्शन है ये एक ये एक ये तो पहले मैं इस वाले का करता हूँ तो इसका कितना आएगा ई की पावर, AX BY। पावर एक, ए एक्स प्लस बी वाई ये तो होगा ई की पावर एक्स इसका इसका करेंगे जो पावर में ए एक्स का कितना हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है और बी वाई बी भी कॉन्सटेंट है वाई भी कॉन्सटेंट है तो कितना आएगा जीरो ये वा, इस वाले को फंक्शन को एज इट रखा प्लस इस वाले फंक्शन को मल्टीप्लीकेशन रूल से कर रहा हूँ मैं अब इस इसका करो डिफ्रेंसिएशन एफ का कितना होगा एफ डैश जो भी होता है ठीक है हमें नहीं पता एफ क्या फंक्शन है लेकिन ये पता वो X y है वो एक्स ओ वाई का फंक्शन है ठीक है इन टू उसके अंदर जो फंक्शन वो क्या ए एक्स माइनस बी वाई तो ए एक्स का हो जाएगा ए और बी बी वाई का कितना हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा ठीक है तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना आ गया हमारा ई e की पावर ए एक्स प्लस वाई मैं कोमल ले ले रहा हूं कितना बचेगा अंदर ए एफ ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई ठीक है डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ गया अब, अब मुझे क्या चाहिए और इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कहता हूं ऐसे डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालो वाई के रेस्पेक्ट में करो ऐसे ही इसको पहले यहां पे वाई है यहां पे वाई है मल्टीप्लीकेशन रूल लगाओ दो से। तो क्या आएगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई अब करो इसका ए एक्स का हो गया जीरो बी वाई का वाई का, वाई का वन हो जाएगा यहां जाएगा बी ठीक है इन टू क्या ए एक्स माइनस बी वाई प्लस अब क्या रखेंगे इस वाले फंक्शन को कॉन्स्टेंट रखो मल्टीप्लीकेशन रोल में यही होता अब इस वाले का करो तो एफ का कितना हो जाएगा एफ डैस ए एक्स माइनस बी वाई ठीक है इन टू ए एक्स माइनस बी वाई का करो ए एक्स का जीरो हो जाएगा बी वाई का कितना हो जाएगा माइनस बी तो ई e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई तो दोनों जगह कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया कितना हो चाहे बी एफ ऑफ ए एक्स माइनस बीवाई माइनस b f ओफ डैस ए एक्स माइनस बी वाई इसको कहता हूं मैं इक्वेशन नंबर वन टू ठीक है अब मुझे क्या चाहिए देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ गया उसमें क्या करना है मुझे बी का मल्टीप्लाई करना ठीक है तो मैं क्या क्या करूंगा देखो इधर बी इन टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स और क्या चाहिए मुझे और जो सेकंड वाले डेल जेड अपॉन डेल वाई आई है उसमें क्या करना है ए का मल्टीप्लाई ए डेल जेड अपॉन डेल वाई तो बी का मल्टीप्लाई करो पहले इसमें यहां पे बी का मल्टीप्लाई करो ई e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई ए का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा यहाँ सॉरी ए का नहीं बी का इस बार पहले वाले में बी का मल्टीप्लाई करना है यहां पर आएगा ए बी एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई यहां पर करा फिर बी का ए बी एफ डैस ए एक्स माइनस बी वाई ठीक है इस वाले सेकंड वाले में क्या करना ए का मल्टीप्लाई करना डेल जेड अपॉन डेल वाई में ए का मल्टीप्लाई करो यहाँ पे देखो ये तो बाहर ही रहेगा तो ए का मल्टीप्लाई किया यहाँ है, हो जाएगा ए बी एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये ए बी एफ ऑफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई सब जगह कॉमन है तो मैं उसको क्या ले रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ पहले इसको लिख लो की पावर ए एक्स प्लस बी वाई कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे कितना बचा अंदर ए बी एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई यहाँ पे कितना बचेगा ए बी एफ डैस ए एक्स माइनस बी वाई यहाँ पर कितना बचेगा ए बी एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई यहाँ पर कितना बचेगा ए बी एफ डैस एक्स माइनस बी वाई ठीक है तो ए बी एफ डे एक्स ये दोनों कैंसिल हो गए ए बी एफ एक्स माइनस बी वाई यहाँ पर तो ये दोनों को ऐड करूँगा कितना आ जाएगा ये टू ए बी एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा ठीक है अब यहां पे ध्यान से देखो जेड की जो वैल्यू कि, किसके इक्वल है हमें यहाँ पे जेड लाना आपने उसमें जेड की वैल्यू कि, किसके इक्वल है ई e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ओफ ए एक्स माइनस बी वाई तो मैं क्या करता हूं किसके इक्वल है इसके ठीक है इस, इसकी जगह ये जेड है तो मैं इसकी जगह क्या लिख ले ले रहा हूं टू ए बी जेड ठीक है ये जेड के इक्वल है वैल्यू तो टू ए बी जेड देखिए यही हमें प्रूफ करना था आ चुका हमारा जो हमें प्रूफ करना था देख लिए और कोई स्टेप छूट गया हो तो यही हमें प्रूफ करना था ठीक है इस वीडियो में इतना ही ओके थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में